लोन एप्लीकेशन के बारे में तो आप लोग भली भांति जानते हैं। जो लोन एप्लीकेशन आपको पर्सनल लोन देने का काम करती है, जो लोन एप्लीकेशन आपको बहुत कम ब्याज दर पे लोन देने का काम करती है, आपको मंथली ईएमआई शेड्यूल भी कर देती है ताकि आप लोगों को ईएमआई हर वक्त भरने का टेंशन आ रहा है, बस बैंक में आपको अपना पैसा रखना है और आपका लोन का जो ब्याज का पैसा है वो ऑटोमेटिक अपने टाइम पे कट जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में क्या आपको पता है कि जो पर्सनल लोन देने वाली एप्लीकेशन होती है वो सिर्फ पर्सनल लोन नहीं देती है, उसके अलावा बिजनेस लोन हो गया, या मान लो अगर आप अपना घर बना रहे हो तो भी उसके लिए भी लोन मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में हम पर्सनल लोन की बात नहीं करेंगे, पर्सनल लोन के ऊपर ही बात होगी, पर्सनल लोन के ऊपर ही बात होगी, लेकिन पर्सनल लोन के अलावा आपको मैं और भी उसके जो एक्सप्लोर करूंगा प्रोडक्ट्स को वो भी आप देख पाएंगे। अगर आप में से कोई भी और व्यक्ति जो है किसी और टाइप के लोन्स के ऊपर इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली उस लोन का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी पर्सनल लोन लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियोज आपको यही इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है। साथ में वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम, और हम शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। फिर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो की जैसे आपका टाइटल होता है, जैसे आप टाइटल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है। करने के साथ ही आप सीधा पहुंचेंगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे बहुत सारे टाइप के आपको कैटेगरीज मिलेगी। इन कैटेगरीज में आपको सिंपली यहाँ पे ऐप लोन की कैटेगरी भी दिख रही होगी, तो उसी ऐप लोन की कैटेगरी पे आपको क्लिक करना है। जस्ट बिकॉज आपको एक एप्लीकेशन से लोन लेना है तो आपको ऐप लोन की कैटेगरी पे तो जाना ही होगा। इसके बाद तमाम तरीके की कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, जो एप्लीकेशन जो लोन देती है उनकी तमाम लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और जिस लोन ऐप से आप लोग लोन लेने वाले हो उसको आप भी इसके अंदर फाइंड कर सकते हो स्क्रॉल करके, नेक्स्ट करके अलग पेज पे जाकर। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका इसमें ज्यादा टाइम टेकन लग रहा है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर लेना चाहिए। जिस लोन ऐप से हम लोग लोन लेने वाले उसका नाम है IIFL, वो आपको डाल के सिंपली सर्च करना होगा और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि IIFL लोन ऐप से लोन कैसे लें। इसी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी और रिव्यू अगर हम करना चाहें तो आपको बता देते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये पहले एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म इसने बहुत सारे लोन एप्लीकेशन को लोन देने का काम किया हुआ है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म से हम बात कर रहे हैं, और अब इनका खुद का ही पर्सनल लोन ऐप या फिर कहा जाए तो ऑल इन वन ऐप आ चुका है। इसके अंदर पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन आप ले सकते हैं। तो इस आर्टिकल को पढ़ना क्यों जरूरी है पहले वो समझो, और इस आर्टिकल को आप कितनी भाषाओं में पढ़ोगे। तो आप इसको हिंदी के अलावा भी अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, और मेन बात इस आर्टिकल के अंदर आपको इस जो टाइप के जो पर्सनल लोन या फिर जो बिजनेस लोन या होम लोन ऑफर करता है ये एप्लीकेशन, वो आपको पता चलेगा IIFL के बारे में, कितने लोगों का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो जिन लोगों ने यहाँ से लोन लिया हुआ है तो उन सभी चीजों के बारे में पता चलेगा। साथ ही में यहाँ पे लोन लेने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे, और कितने कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लोन मिलने के चांसेस है वो आपको यहीं पे पता चलेगा। तो मेन बात है कि आपको इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना होगा, और आप इसको जैसे मैंने कहा आप इसको हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। अब सारी जानकारी मिल गई है, अब लोन तो अप्लाई करने के बारे में हम आपको बता ही रहे हैं, तो जहां तक बात आ रही है लोन को कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको मिलती है विजिट का लिंक। तो विजिट के लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे आप लोग सीधा पहुंचेंगे अपने फोन की गूगल प्ले स्टोर पे, जहां पे मिलेगा IIFL लोन। एक बार बता देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि मेरे ही थ्रू आप इस एप्लीकेशन तक रीच करोगे, अगर आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस एप्लीकेशन में यहाँ तक आने में ये जो प्रोसेस है काफी लॉन्ग है जो नहीं होना चाहिए, तो आप अपने तरीके से भी एप्लीकेशन तक रीच कर सकते हो। आप इसको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, IIFL लोन इंस्टॉल कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे उसके सब्सिडरी भी कुछ एप्लीकेशन है तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल जरूर से करें, और जब तक आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तब तक हम इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी अगर बात करने में आए तो आपको बता देते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ तो पर्सनल लोन आपको मिलता ही है, अगर बिजनेस लोन है तो वो भी मिल जाएगा, जो बिजनेस लोन का अमाउंट है 50 लाख तक जाता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स MSME को लेकर है, इवन होम लोन भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर, और पर्सनल लोन के ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो बात मैंने आपको इंट्रो में बताई थी वही बात इस कंटेंट के अंदर भी है जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पता चल चुका होगा कि एप्लीकेशन अपने आप में कितना ज्यादा बढ़िया है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है तो इसको करना है ओपन। जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा IIFL फाइनेंस की तरफ से। आपको सबसे पहले यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट परमिशन है वो आपको अलाउ करके आगे बढ़ना होगा। जैसे आप इसको अलाउ करेंगे, इसके बाद जो आपको मोबाइल नंबर आप डालते हैं वो मोबाइल नंबर आप वो डालें जिससे आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिंक हो। उसके बाद आपको OTP आएगा, वो OTP डाल के आपको सिंपली कंटिन्यू बटन पर टैप करना है। इसके बाद आपको जाहिर सी बात है एप्लीकेशन में अपना सिक्योरिटी एमपिन क्रिएट करना है, वो एमपिन क्रिएट करने के बाद आपका सेटअप जैसे सक्सेसफुली हो जाता है सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम डालना है और ईमेल ID डाल के कंटिन्यू के बटन पर टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे आपको आपका नाम भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे लोन कौन कौन से ऑफर कर रहा है, बिजनेस लोन, होम लोन, लोन की प्रॉपर्टी, उसी के अंदर बहुत सी चीजें भी हैं। सिंपल बात है आपको पर्सनल लोन लेना है तो उसके लिए आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले फिल करनी पड़ेगी। तो आपको पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि पैन कार्ड नंबर, इसके बाद ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, जस्ट पे पैन कार्ड पे लिखा है, पिन कोड, जेंडर, ये सब बता के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपने एंटर करना है हमने डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड में लिखा है और पैन कार्ड नंबर डाल के कंटिन्यू बटन पर टैप करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे सिविल स्कोर फाइंड करना शुरू कर देगा और आपके लिए जो है प्री अप्रूव के जो लोन ऑफर है वो दिखाना शुरू कर देगा, और यहाँ पे आपको लोन के ऑफर मिलना
करना भी शुरू हो जाएंगे। तो लोन्स के सेगमेंट पे आपको जाके बेसिकली सारी चीजों को देखना है। इसके बाद आपको कोई लोन का ऑफर पसंद आता हो, सबसे पहले अपने लोन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी जो पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन उसको फेच करेगा, तो उसको फेच करेगा तो यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर ये करेक्ट है तो आई कन्फर्म भी क्लिक करना है, वरना आप इस पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि पैन को चेंज करना है तो चेंज पैन पे भी क्लिक कर सकते हो, तो आई कन्फर्म भी क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, तो मोबाइल नंबर डालना है, इस पर टिक मार्क करके सेंड ओटीपी बटन करना है, उसके बाद ओटीपी आएगा, देन वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक कर देना है। ये भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को फेच करने में काफी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, जैसे ये काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको एक जो है एक और एडिशनल या ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है जो यूज केस में काम आएगा, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, देन ओटीपी वेरिफिकेशन उसका भी होगा, देन वो सर्चेस करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे आपको अपना लास्ट के 5 डिजिट का पासपोर्ट नंबर अगर है तो उसका ऑप्शन सेलेक्ट करके रिक्वायर्ड है, तो यानी कि सारी की चीज है कि आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है और आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप जिस भी बैंक खाते में आपका पैसा रिसीव होता है, जो आप सैलरी बेसिस पे कहीं भी काम करते हो, वो बैंक चूज करना है और उसका जो बैंक स्टेटमेंट है, या मान लो कि जो भी बैंक का जो आपका है वो बैंक चूज करना है। इसके बाद आपको नेट बैंकिंग या बैंक स्टेटमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हो, सबसे फास्ट मेथड नेट बैंकिंग का है, तो वो चीज आपको देनी होगी और मोबाइल आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के सिंपली लॉग इन करके सारा काम कर सकते हो। ये कैप्चा कोड डाल के कैप्चा इनपुट करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये भी आपका वेरीफाई क्रेडेंशियल पे कर लेगा कंप्लीट। ये ऐसी चीजें हो जाएगी तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में जाएगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे लोन ऑफर्स मिल जाएंगे, तो लोन ऑफर आपको चूज करना होगा। यहाँ पे बताएगा कि आपने लोन ऑफर जो टेन्योर है कितने टाइम के लिए, ईएमआई के किस हिसाब से बनेगा, और डिसबर्समेंट अमाउंट ब्रेकडाउन की आपका सेंशन कितना अमाउंट होगा, प्रोसेसिंग फीस 4% का लग रहा है तो कितना स्प्रेड लगेगा, जीएसटी 18% का वो भी जोड़ लेना, और प्री ईएमआई कितनी होगी, टोटल आपके हाथ में पैसा कितना आएगा। अगर ये ऑफर आप सहमत है तो अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करना है। डिजी लॉकर से आपको अपना आधार केवाईसी कंप्लीट करना है, तो लिंक उसे डिजी लॉकर पे आगे आधार कार्ड नंबर कैप्चा ये जो कैप्चा कोड है वो डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका सिक्योरिटी पिन डाल के कंटिन्यू बटन पे टैप करना है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट केवाईसी वेरिफिकेशन करना शुरू करेगा। इसके बाद आपको अपनी सेल्फी कैप्चर करके डालनी है। इसके बाद आपको अपना जो है जो भी आपकी जो भी फोटो है अगर सही है तो ठीक है, वरना रीटेक कर सकते हो, वरना सबमिट पे क्लिक करना है और उसके बाद कंफर्म एड्रेस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमने जैसे लोन अमाउंट इतना चूज किया, तो हमारे इंटरेस्ट किस हिसाब से पर एनम का बनेगा, ईएमआई कितना बनेगा और टोटल हमने कितने महीने लोन लिया है तो आप देख सकते हैं। तो हमारा सेंक्शन अमाउंट ये सब है, हम इस लोन ऑफर को एग्री करते हैं, तो एग्री टू द लोन ऑफर में हम जाएंगे और यहाँ पे हमारा बैंक चूज करेंगे, ठीक है। और यही जो है मतलब कि जो हमारे बैंक वो चूज करना है जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कर रहे हैं, तो बैंक वगैरह चूज करके आईएफएससी कोड वगैरह डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है, एंड यही हमारा चीज है। इसके बीच में जैसे मान लो कि लोन एग्रीमेंट आईएफएफ जो है वो अगर साइन इन करने की बात आई तो साइन इन कर देना। और इस वीडियो में जो चीजें दिखाई गई है वो जस्ट एक डेमो बेसिस पे है कि आपको अगर लोन लेना है आईएफएफ लोन ऐप से तो इस तरीके से ले सकते हो। इसके अंदर कुछ इमेजेस अगर आगे पीछे हो गए तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे बस समझाने के और एजुकेशन पर्पज से वीडियो में क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने जाना आईएफएफ फाइनेंस ऐप से किस तरीके से लोन लिया जा सकता है, और इस बारे में आपकी राय जो भी है कि आपने कभी इस ऐप से ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, अगर लिया हुआ है तो क्या एक्सपीरियंस